इस तेज रफ्तार से दिन रात भागती मुंबई शहर की रफ्तार 26 नवंबर 2008 की रात को रोक दी गई थी, जब 10 आतंकवादियों ने कई जगहों को अपना निशाना बनाया था। इस हमले को आज 15 साल होने को हैं, लेकिन उसके घाव अभी तक ताजा हैं। इन्हीं घावों के साथ पीड़ित परिवारजनों को जीना पड़ रहा है, जिसमें से एक हैं करुणा ठाकुर वाघेला, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने पति को खो दिया था। उन्होंने उस हमले को याद करते हुए बताया कि वो दिन अभी भी दिमाग से गया नहीं है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सुरक्षा अच्छी रहती तो यह दिन नहीं आता। अभी तक वो दिमाग में गया ही नहीं है, अभी भी ऐसा ही लगता है। वो दिन आता है तो पूरा मनुष्य छा जाता है, पूरा मेरी जिंदगी मनुष्य हो गई, मेरे बच्चे लोग रखड़ गए, मैं रखड़ गई। सरकार ने जो कुछ भी दिया हो, लेकिन उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर सुरक्षा व्यवस्थित रहती थी ना, तो आज मेरे पति को कुछ नहीं होता। और कोई भी मतलब इतने जो भाई विधवा हुई, शहीद हो गए, लेकिन जो कमी कर रही है ना, वो कोई पूरा नहीं करेगा। हमारे बच्चे लोग की, हमारी जिंदगी में जो है वो कोई नहीं पूरी कर सकता, सरकार भी पूरी नहीं कर सकती। और अभी कितना ये सब हो गया, सरकार हमारे सामने देखती है कि कैसे उनका घर चल रहा है, क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे चल रहे हैं। अभी भी बच्चे लोग याद करके रोते हैं, मैं रोती हूँ। कितनी कमी कर रही है, सिर्फ 26/11 के टाइम पे ही पता चलता है। वैसे तो कोई हम लोग हमारे पास आता नहीं, कोई भी आता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन ये टाइम पे बराबर सब आते हैं। और उससे भी ज्यादा दुख हम लोग को होता है, एवरीडे हम लोग को होता है, क्या ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, लेकिन आज का दिन तो कभी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने उस दिन की पूरी घटना को याद करते हुए बताया कि कैसे आतंकियों ने उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैं मेरे मासी के पास गई थी और वैसा मुझे उन्होंने फोन किया कि ऐसा मतलब तू आराम से रात को आ, मेरा नाइट ड्यूटी है, मेरा नाइट ड्यूटी है, मैं नाइट में जाता हूँ तो सुबह में आ जा। ऐसा करके उन्होंने 9:30 बजे मुझे कॉल किया और रात को फिर कितने बजे मुझे तो बताया नहीं। मैं घर पर आई तब तक मुझे नहीं बताया कि मेरे पति को ऐसा कुछ हो गया है। फिर अचानक मतलब मैं टिटवाड़ा गई थी और अचानक से यहाँ पर फायरिंग हुई, फिर यहाँ पर एक बैंक दिख रही है, वहाँ पर तीन इनकाउंटर हुए, जो अपने ये थे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कर एक काम थे उनको फिर मेरे पति को वहाँ पर ऐसा किया। मतलब वो सब जो अभी यहाँ पर वो जगह पे जाती हूँ ना, तो भी मुझे वो सब फील आता है। वहाँ पर होता ही है कि ये सब ऐसा हो रहा है। अब अगर मैं मंदिर में जाती हूँ ना, तो भी होता है कि मैं मेरे पति के साथ मैं यहाँ पर आती हूँ। वो सब हादसा कैसे भी करो भूल नहीं सकते। बहुत मतलब अभी तक 16 साल हो गया ना, वो बात मन में जाती ही नहीं, मेरे और मेरे बच्चों को जाती ही नहीं वो बात दिमाग से। कैसे भी करके जिंदगी निकाल रहे हैं, क्योंकि अचानक हो गया। इतने अच्छे आदमी थे ना, भगवान जैसे आदमी थे मेरे, और उनके साथ हो गया तो अभी तक मतलब होने होता है। मेरा लड़का और मेरे पति थे, और मेरा बड़ा लड़का मेरी सास के पास सोया था, और मेरा छोटा लड़का उनके पास दोनों खा रहे थे, और उसने आके पानी मांगा कसाब ने। उसका नाम पे मुझे लेने के लिए मुझे मतलब बहुत घिन आती है, उसका नाम मुझे अच्छा नहीं, मेरा मुझे बहुत गुस्सा आता है उसका नाम लेती हूँ तो उस बैठे थे, उसने खटखट आया, तभी क्रिकेट चल रहा था, खटखट आया, पानी मेरे पति उठे, खाने पे थे, उठे, उसको पानी दिया। उन लोग पे हिंसा थे कि नहीं, पानी दिया उसको, वो बैठे, फिर उसको पानी देके बैठे, पी के बोले ग्लास रख देंगे सर, उनको लगा होगा ऐसा, और उसने पीछे से उनको गोली मार दी। लड़के ने देखा, लड़के जैसे घर निकले ना, लड़का मेरा 4 साल का छोटा था, वो बाथरूम के अंदर घुस गया। नीरज 4 साल का था वो, तो वो वहां पर इसीलिए वो बच गया, लेकिन वो उसने पानी पिया और फिर गोली मार दी। उन्होंने बताया कि वे अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और उन्हें अभी भी डर लगता है। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ, डर 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 तो बहुत रहता है। डर मुझे, मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, नहीं है। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरे बच्चे और मैं और मुंबई सुरक्षित नहीं है। कोई भी आके हम लोग को कोई भी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे आके करके जाएगी। और हम लोग रहते कहाँ पर है, किला कोर्ट है, बाजू पुलिस लाइन है, सब यहाँ पर, और हमारे यहाँ पे मतलब इतना उन लोग का ये कि किसी को भी आके घर उजाड़ के चले जाएंगे। और हमारे से सरकार क्या करे, मुआवजा दे दिया, अभी एक करते बैठो,
बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, उनका कैसे अकेली भाई कैसे करेगी। पति रहे, मेरे पति रहते थे तो आज तुम्हारे सुरक्षा कुछ भी रहता था, सुरक्षा कर्मी रहते थे बराबर, कुछ भी रहते थे तो आज मेरे पति अच्छे रहते थे ना, हम लोग थोड़े में खुश थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था।